बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीने का वक्त बीत गया है। सुशांत ने अपने जीवन को खुद क्यों खत्म किया? फैंस इसका जवाब के साथ ही केस को सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन के साथ आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट ने लोगों के मन में कई सवाल तब खड़े कर दिए जब उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अब वो इस केस से पीछे हट रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने ये मांग की है कि केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन बुधवार को सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ट्वीट के बाद उन्होंने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा, अब तक मेरी आवाज को मजबूती देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मुझे पीछे हटने की अनुमति दीजिए क्योंकि परिवार पूरी तरह से शांत है और इससे मैं असहज हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये उनका विशेषाधिकार है और हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। इस ट्वीट के बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और कहा, लेकिन मैं साइलेंट फोर्स के तौर पर आप सभी के पीछे रहूंगा। मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने अपने नेक्स्ट ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी धन्यवाद कहा। अपने तीसरे ट्वीट में एक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता कि हमारी कोशिशों का क्या फल मिलेगा, लेकिन हम दुनिया को अपनी ताकत एकता दिखाने में सक्षम हैं, सिस्टम को हिला सकते हैं और हम पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये ट्वीट्स के बाद जब लोगों ने उनसे ये सवाल करने शुरू किए तो फिर उन्होंने ट्वीट किया और कहा, मैं एकदम साफ कर दूं, मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी, मैं बैकआउट नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था कि मैं बैक सीट ले रहा हूं। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं साथ रहूंगा लेकिन परिवार आगे आए और कुछ बयान दे। इस मामले पर अपने 5वें ट्वीट में शेखर सुमन ने लिखा, मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे लोगों की भावनाओं को निराश नहीं कर सकता। मैं सामने से लड़ाई जारी रखूंगा, क्या हुआ अगर परिवार आगे नहीं आ रहा। सुशांत पब्लिक फिगर था और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।